हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का जो हमारा विषय है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत से क्वेश्चन आपके अराइज होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के इंटरफेसिस होते हैं। तो आज हम उन सब टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कॉमन डेफिनेशन कहीं भी अगर सुने तो बोला जाता है कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो सबसे कॉमन यही बोला जाता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। बात आती है वर्ड इंटरफेस पे। इंटरफेस होता क्या है आपके पास, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कैसा मैकेनिज्म है जो यूज़र को, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर मीन्स जो भी आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके साथ डील करने में हेल्प करता है। और ये इंटरफेस क्या होता है आपके पास, एक बीच में आपका कनेक्शन जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सपोज़ यू आर यूज़र, यहाँ पे आप यूज़र हैं और ये आपके पास अपना कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इस चीज़ को असेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं, कोडिंग में लिखा होता है, प्रोग्राम्स बने होते हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो यूज़र इन सब चीज़ों को इजीली असेस कर पाए उसके लिए एक इंटरफेस आपका बना होता है जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को आपस में इसमें कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स योर इंटरफेस। और उसी इंटरफेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो जब भी आप अपने पीसी में काम करते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका पीसी जो है वो नल होता है, ठीक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका पीसी कभी रन नहीं करता है। आप किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स पे। तो जब भी टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले बात आती है सॉफ्टवेयर, क्योंकि पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वैसे हम बोलते हैं एक प्रोग्राम, बट जब मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके कंबाइन हो जाते हैं एक जगह पे और वो कंबाइन होके एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या पर्टिकुलर एक टास्क को सॉल्व करते हैं, दैट्स योर सॉफ्टवेयर। तो किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस आपके पास आती हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपकी टेस्टेड हैं और जिन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये टू टाइप की इंस्ट्रक्शंस आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर आपके पास वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर आपके आते हैं पहले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया गया होता है और ये यूज़र जो है इनको यूज़ करता है, पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप बोलें, अगर हम एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मीडिया प्लेयर का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अपना पेंट, जो भी अदर सॉफ्टवेयर्स अपने पीसी में चला रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनसे हम कोई एक टास्क परफॉर्म करवाते हैं। सेकेंड टाइप के सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, इनका काम है इनको जो है वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं आपके में, जिन्होंने पीसी बनाया है, इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिन्होंने अंदर कोडिंग किया है या जिन्होंने अंदर चिप्स वगैरह को फिट करा हुआ है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करना है तो इसके लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। विदाउट एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कैसा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कॉमन यूज़र जो है ना उसको समझ सकता है ना उसकी सारी कोडिंग कर सकता है, क्योंकि जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके बनते हैं इनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं, पूरे जो भी आपके काम होंगे इसमें उनके लिए कोडिंग किया होता है। तो उसको सिर्फ आपके जो भी आपके कंप्यूटर बनाने वाले या तो प्रोग्रामर हो गए या फिर कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाले, ठीक है, तो जितने भी आपके प्रोग्रामर्स हैं उनको इसके बारे में डीप नॉलेज होता है, ठीक है।
थर्ड टाइप के एक और सॉफ्टवेयर आपके आते हैं जिनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जब हमारे पीसी में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, विदाउट एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा ना ही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आप अपने पीसी में एंटीवायरस का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना फाइल मैनेजर का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको आप कभी आपने अपना मतलब रेम्यूनरेशन करना है या फिर अपना बैकअप वगैरह करना है या अपने सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम्स को जो है वो ठीक करना है, उसके लिए आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एक सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हमने बात करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। क्योंकि जब भी यूज़र काम करता है, यूज़र कॉमनली आपका इंग्लिश लैंग्वेज समझेगा या हिंदी लैंग्वेज को समझेगा, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपनी लैंग्वेज में काम करेगा। लेकिन जितने भी सारे पीसी के साथ आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इन सब से कैसे काम करवाना है, इन सब की पूरी प्रोग्रामिंग को किसने चेक करना है, डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होगा, या जो भी आप काम कर रहे हैं वो सेव कहाँ होना है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, या फिर आपने यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करवाना है और यूज़र के जो भी उसने काम किया उसको समझना है, तो ये सारा काम आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यूज़र और इसके हार्डवेयर के बीच में आपका क्या है, ये इंटरफेस। मीन्स विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो आप इससे डील कर सकते हैं ना ही इसके किसी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं टू टाइप के इंटरफेसेस पे बनते हैं। तो टू टाइप के इंटरफेस हमारे पास आते हैं, एक होता है GUI एंड सेकेंड वन इज़ योर CUI। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन है इन दोनों में से, क्योंकि फुल फॉर्म आपके अराइज होता है GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CUI मीन्स करैक्टर यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड करैक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है? तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें क्या होता है आपके पास कि आइकन्स होते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनको हम आइकन्स बोलते हैं। उन आइकन्स पे क्लिक करके आप किसी भी काम को जो है वो बाई पॉइंटिंग डिवाइस या बाई एनी कीबोर्ड डिवाइस आप उसमें काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो GUI में आपके ये सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। लेकिन CUI आपका जो काम करता है वो करता है कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। ठीक है, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ कीबोर्ड डिवाइस की हेल्प से ही काम करना है। जितना भी आपका काम है आपको टाइप करके कमांड देना है और आपको रिजल्ट भी जो है वो टाइप्ड फॉर्म में ही, मींस उस पर कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कोई पिक्चर आपके सामने शो नहीं होगी, ओनली आप सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में ही आउटपुट लेंगे और इनपुट आपको किसी टाइपिंग डिवाइस की हेल्प से देना है। और यहाँ पे जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है उसमें आपका ओनली वन पर्सन वन टाइम पे इसको जो है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, और GUI बेस्ड एप्लीकेशन को मल्टीपल पर्सन जो है यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर कोई बिगनर है जिसे मतलब ये मालूम नहीं होता है कि PC को कैसे चलाना है, जिसे कोई कंसर्न नहीं है कि अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, वो पर्सन भी इसको जो है ईजिली असेस कर सकता है। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऐसे किसी भी यूज़र के लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप यूज़र हो, आपने अपने पीसी में कोई इनपुट देना है, क्लियर। अब आपको पता है कि वो इनपुट माउस के थ्रू जाना है, विदाउट एन इंटरफेस के आप अपने डिवाइस को असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मे बी आप कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए आपको डिवाइस का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको जैसे आपने माउस से काम करवाना है, अगर यूज़र माउस के बिना क्लिक करना चाहे या माउस के बिना आप उस इवेंट को परफॉर्म करवाना चाहें, आपको वो पर्टिकुलर कोड पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से ये माउस अंदर जो है वो काम करता है, सर्किट कैसे काम कर रहा है और क्या प्रोग्रामिंग उसके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यूज़र जो है इस चीज़ को ईजिली असेस नहीं कर सकता है,
विदाउट एनी इंटरफेस। लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हेल्प से आप अपने जो भी कंप्यूटर है उसके किसी भी डिवाइस को इजीली असेस कर सकते हैं, बिकॉज जो भी इन डिवाइसेस के लिए जितना भी ज़रूरी आपका कोड्स है ना वो सारे इसमें बने पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इस तरह से कोडिंग करा हुआ, ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है, सारे इसमें प्रोग्राम्स आएंगे, सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली जो है वो टेस्ट करा है, उनका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन करा है, सीरियल ऑर्डर में उनको जो ऐड करा है उस हिसाब से उनको यहाँ पे रखा गया है, ताकि वो आपके किसी भी काम को जो इजीली परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरफेस है आपका यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पीसी कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज अगर आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सपोज़ हम कुछ एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करूँ, जैसे आज की डेट में हम सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ पे हम काम करते हैं, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विदाउट विंडोज़ आपका पीसी ज़ीरो है। जब तक आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तब तक आप अपने किसी भी एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जो है वो असेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कोई प्रिंटर असेस कर पाएंगे, ना आप माउस को माउस से काम करवा पाएंगे, ना ही आप मेमोरी असेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके इसमें प्ले करता है, क्लियर। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात की हमने, अब हम थोड़ी सी उसकी फंक्शनैलिटी पे बात करेंगे। तो आपने ये चीज़ समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अपने कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस को जो है वो इजीली असेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका हार्डवेयर है चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो हमने कुछ एक इंटरफेसेस का भी बात करा, जब इंटरफेस वर्ड का बात आया था तो कुछ एक इंटरफेसेस का हमने बात करा। तो CUI और GUI दो इंटरफेसेस थे, तो मतलब उनका फुल फॉर्म तो वैसे अराइज होता ही है, लेकिन एक बार कई बार क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है कि GUI फर्स्ट GUI इंटरफेस आपका कब आया था। तो 1970 में सबसे पहले GUI इंटरफेस आपका आया था, जिसको आपका बनाया है ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने, ठीक है जी। ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने इसको जो है वो डेवलप किया है। अब जब फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ को मैनेज करता है, और इसकी वजह से क्या होता है आपके पास कि जितने भी आपकी फाइल्स हैं उनको इजीली आप असेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइल्स इजीली असेस कर सकते हो, इजीली प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो पहली फंक्शनैलिटी हमारे पास सबसे पहले आती है प्रोसेसर या प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हो, मीन जब आप हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो बैकएंड में हमारे पास क्या होता है, बहुत सी जॉब्स होती हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनको हम जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जॉब। तो बहुत सी जॉब्स बैकएंड में जो है वो रन हो रही होती हैं। उन जॉब्स को मीन सारी प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करना है, मीन्स कैसे उनका सीक्वेंस आपने ये सेट करना है कि कौन सी जॉब पहले आनी है, कौन सी जॉब बाद में आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, सपोज P1 P2 P3। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब पहले प्रोसेस होगी, कौन सी जॉब बाद में प्रोसेस होगी। तो कुछ यहाँ पे शेड्यूलिंग आपके एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, मींस कोई प्रायोरिटी बेस पे होता है, कोई ऐसे होता है कि जो जॉब पहले आ रही है वही जॉब हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, जितने भी आपकी जॉब्स हैं उनको आपने कैसे जो है वो मैनेज करना है कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होना है और कौन सी जॉब को बाद में एग्जीक्यूट होना है। सेकंड इसमें आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेजमेंट से आप सीधा कंसर्न ले सकते हैं अपनी प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में इंटरनली रैम या रोम जैसे भी आपके काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी प्राइमरी मेमोरी को कैसे सेट करना है, क्योंकि रैम आपकी जो होती है वो बहुत मतलब कम साइज़ में होता है, ठीक है। रैम का साइज़ ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत लॉट ऑफ डाटा आप उसमें डाल सकें, तो इसके लिए मेमोरी मैनेज करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपनी रैम को आपको इरेज करना ज़रूरी होता है, और टाइम टू टाइम आपको ये भी देखना पड़ता है कि कोई भी डाटा मेरी रैम में ज़्यादा टाइम तक ना रहे, इसलिए रैम आपकी क्या है, वॉलेटाइल होती है। तो मीन्स इसमें डाटा टेम्प्रेरी स्टोर होता है। तो यहाँ पे पूरी मेमोरी को मैनेज करता है कि कब आपने डाटा रैम में रखना है और कब उसको रैम से अदर मेमोरी में शिफ्ट करना है, कितना डाटा आपने रैम में रखना है, कब आपकी रैम फ्री है कि वो डाटा ले सके, या कब आपने अपना डाटा जो है नेक्स्ट देना है, ठीक है।
तो मेमोरी मैनेजमेंट के बाद एक और फंक्शनैलिटी इसमें आती है आपकी, दैट्स योर डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, अब डिवाइस मैनेजमेंट से आप क्या समझेंगे यहाँ पे कि जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, क्लियर, आई हैव 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस को प्रिंटर का जो है नीड है, इन सभी प्रोसेसेस को प्रिंटर चाहिए, तो इस प्रिंटर को कैसे किसी प्रोसेस को देना है और कौन सी प्रोसेस को कितने टाइम तक सर्विस देना है और कब उससे जो है उसको रिलीज़ करवाना है, तो ये सारा काम आपका डिवाइस मैनेजमेंट में होता है। कब आपके माउस का नीड पड़ रहा है, कब आपका कीबोर्ड का ज़रूरत है, कब आप कभी स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं या कोई और डिवाइस आप अपने पीसी के साथ जोड़ के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। इसके बाद आपका और आता है स्टोरेज। अब यहाँ पे स्टोरेज का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स कि आप अपनी हार्ड डिस्क की बात कर सकते हैं, आपने अपनी हार्ड डिस्क को कैसे पार्टीशन करना, क्योंकि जब भी आप अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ नॉर्मली अगर हम बात करें इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, या कभी भी जब क्रैश हो जाते हैं तो हम दोबारा री इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिस्क पार्टीशनिंग का। डिस्क पार्टीशनिंग में हमारे पास कहता है कि हमें हार्ड डिस्क के जो है ना वो ड्राइव बनाने पड़ते हैं और उसको हमें पार्टीशन करना पड़ता है हमें, तो एक पोर्शन ऐसा होगा जिसमें प्रोग्राम फाइल्स रहती हैं सारी, या जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल खुद रहता है, बाकी पोर्शन ऐसे होंगे जिनमें आप एक्स्ट्रा डाटा अपना डाल सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे करना है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है, ठीक है, कि कितना स्पेस आपने कौन सी ड्राइव को दिया है और कैसे उन ड्राइव्स को अंदर मैनेज करना है, कब आपने डाटा सी में डाला है, कब आपने डाटा डी में डाला है, जी में डाला है, तो उस डाटा को एज इट इज़ वैसे रखना भी है, ठीक है। तो ये आता है आपका डिवाइस सॉरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क, ठीक है। मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद एक और मैनेजमेंट इसमें आता है, दैट्स योर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जब भी आप काम करेंगे अपने पीसी में, आप अपनी फाइलों को बनाएंगे, तो कब फाइल को स्टोर करना है, जैसे आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया, सेव करके नेम दे दिया, तो वो फाइल कहाँ जाएगी, क्योंकि जब तक हम काम कर रहे होते हैं ना अपने पीसी में, हमारे जो डाटा होता है वो रैम में प्रेजेंट रहता है जब तक हम काम कर रहे हैं, है ना, मतलब जब तक मेरा पीसी ऑन है तब तक डाटा रैम में रहता है, बट जब इसको हम सेव कर देते हैं आइदर डाटा आपका मतलब कहीं हार्ड डिस्क में उसको स्पेस मिल जाएगा या फिर वो रैम में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपने फाइल मैनेजमेंट करना है। जब भी फाइल मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, एक फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, तो किन किन ऑपरेशंस के बेस पे, जैसे आपने क्रिएट, फिर आपने कर दिया अपना सेव, डिलीट या रिमूव भी इसको हम बोल सकते हैं, कुछ एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका रीनेम, ठीक है, तो कुछ एक फाइल ऑपरेशंस हैं, इनमें मतलब फाइल क्रिएट करना, फिर उसको सेव किया, फिर उसको मतलब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या फाइल को न्यू नेम देना चाहते हैं या फाइल का डेट एंड टाइम भी आपने सेव करके रखना है, तो वो सब चीज़ें इसमें फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। एक और इसमें फंक्शनैलिटी है, दैट्स योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि उसको जो अनऑथराइज्ड असेस है वो इजीली ना मतलब असेसिबल हो उनके द्वारा, या कोई भी वायरस आपका उसको जल्दी से इन्फेक्ट ना कर पाए, तो सिक्योरिटी में वो चीज़ आएगा कि आपके पीसी में कोई भी वायरस जल्दी से एंटर ना कर पाए, तो इसमें आपका एक फायरवॉल फीचर होता है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है जिसको ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है, तो ये कुछ एक फंक्शनैलिटी आपके पास आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिक्योरिटी के साथ साथ एक और फंक्शन आपके पास आता है, दैट्स योर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, अब रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि डाटा आप कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, कौन से डाटाबेस से उठा रहे हो, कहाँ सर्वर कौन सा ले रहे हो, मतलब इस हिसाब से आपने डाटा को मैनेज करना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से साधन हैं आपके डाटा को लेने के। अब ये सब फंक्शनैलिटी आपकी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, बट मेन बात आती है कि इतनी फंक्शनैलिटी आपको क्या बेनिफिट दे रही है, ठीक है, तो सारी फंक्शनैलिटी मीन्स इन फंक्शंस को डालने के आपके पास जो गोल हैं वो
दो ही गोल आपके पास आते हैं। पहला आपका गोल है कि आपने अपने उसको जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कन्वीनियंट बनाना है, ठीक है, कन्वीनियंट बनाना है, और दूसरा उसको एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस, ये दो गोल आपके पास आते हैं, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोग्राम बन रहा है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और इजी मतलब होना चाहिए आपका समझने के लिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड या यूज़र फ्रेंडली आपके पास ये होना चाहिए। और एफिशिएंट मतलब कि जो भी आप काम करें वो आपको फुल एफिशिएंसी के साथ आए, आपके पास फुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपका प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हो उसका करेक्ट रिजल्ट और फुल एफिशिएंसी आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपकी जो है वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे आपसे क्योंकि क्वेश्चन जो आपका अराइज होगा वो ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सभी टाइप के फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज सबको मैनेज करता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ इसमें सब आता है। फाइल मैनेजमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइल ऑपरेशंस इनमें से कौन सा फाइल ऑपरेशन नहीं है, ये कौन कौन से फाइल ऑपरेशंस हैं, तो मैंने आपको बताया क्रिएट डिलीट मूव, इस तरह से वेरियस फाइल ऑपरेशंस होते हैं। देखो एक हम बोलते हैं रीड राइट, कुछ एक ऑपरेशंस मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्रिएट मूव, फिर आपका आ गया सेव, फिर आपका आ गया रीनेम, या फिर आपके पास आ गया डिलीट या रिमूव और डिलीट, आपका मतलब इस हिसाब से आपके कुछ एक फाइल ऑपरेशंस यहाँ पे आते हैं। तो ये था आपका फंक्शनैलिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करें आगे फॉरवर्ड करने से पहले बात करते हैं कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी प्रोसेसिंग है उसको कैसे मैयर करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग को मैयर करते हैं उसमें हम दो से तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि थ्रूपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड इस तरह से, मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप दो से तीन टर्मों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है। तो सबसे फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है, दैट्स योर थ्रूपुट टाइम, थ्रूपुट टाइम। अब थ्रूपुट टाइम आपके पास होता है क्या, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, थ्रूपुट टाइम आपके पास होता क्या है। तो थ्रूपुट टाइम में हम लोग ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर यूनिट में या पर्टिकुलर टाइम यूनिट जो भी आपका सिस्टम मेजर करने के लिए यूज़ कर रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर सेकंड, नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर आर, इस हिसाब से, ठीक है। तो वैसे तो मतलब नॉर्मली जो आपका थ्रूपुट टाइम है वो हमेशा आरली ही जो है वो किया जाता है, तो आर्स में ही ये चीज़ जो है वो काउंट होती है कितनी प्रोसेसेस आपकी एक आर में हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली याद रखेंगे नंबर ऑफ जॉब्स प्रोसेस या एग्जीक्यूट जो भी आप बोलना चाहें एग्जीक्यूटेड इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। तो वो टाइम आपका आर्स में भी हो सकता है, सेकेंड्स में भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपके पास टोटल प्रोसेसेस एन हैं, देयर आर एन प्रोसेसेस, तो टाइम आपका कितना आएगा, मतलब थ्रूपुट टाइम आपका क्या रहेगा, एन प्रोसेसेस कितने टाइम में आपने करी, दैट्स योर थ्रूपुट टाइम, ठीक है। तो कितने टाइम में आपने अपनी पूरी प्रोसेसेस को जो है परफॉर्म किया वो इसमें टोटली आता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 4 प्रोसेसेस पर आर, तो ये आपका थ्रूपुट टाइम आ गया कि पूरे एक टाइम इंटरवल में कितनी प्रोसेसेस आपकी हो रही हैं। तो सेकंड आपके पास आता है आपका टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। अब ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अब यहाँ भी क्या होता है कि मान लो आपके पास आपने कोई प्रोसेस अपना एंटर किया है, ठीक है, एक प्रोसेस से आपकी, मान लो ये प्रोसेस यहाँ से प्रोसेसर में एंटर हुआ फ्रॉम हियर, ओके, तो ये प्रोसेस एंटर हुई जहाँ से और इसने पूरे एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम इंटरवल लिया,
उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना बंद हुई। तो ये जो टाइम इंटरवल पूरा बीच में आया, दैट्स योर टर्न अराउंड टाइम। तो टाइम इंटरवल प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होने में जो पूरा लिया, ठीक है, टाइम इंटरवल टेकन बाय अ प्रोसेस प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, इसमें पूरा टाइम पीरियड आएगा आपका कि कितना टाइम आपका टोटल किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगा। तो यहाँ पे आप जब से वो स्टार्टिंग हुआ एग्जीक्यूशन का और जब वो एग्जीक्यूशन आपकी एंड हुई, ये पूरा टाइम इंटर जो टाइम पीरियड है आपका, दैट्स योर टर्न अराउंड टाइम होगा, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम। थर्ड आपका आता है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम। तो जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या होता है, देखिए टर्न अराउंड टाइम हो गया होल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, कितना टाइम पूरा टेक किया इसने, पूरा लिया। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम होता है कि जैसे ही प्रोसेस आपका एंटर हुआ एग्जीक्यूशन के लिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका कब आया, ठीक है, प्रोसेसर से पहला रिस्पॉन्स कब आया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बात बताएं, मान लो आपने कुछ काम किया, ओके, आपने फाइल बनाया, आपने उसको लिख दिया एंड उसको सेव कर दिया, सेव करके उसको अपनी मेमोरी में आपने डाल दिया, तो ये एक रिस्पॉन्स है कि सेव हो गया आपका प्रोग्राम। लेकिन अभी ये प्रोसेस पूरी ख़त्म नहीं हुई है, आपको इसका प्रिंट लेना है, प्रिंट इज़ अनदर प्रोसेस। तो आपने अगर इसका प्रोसेस मतलब प्रिंट लेना है तो वो अनदर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी डिवाइस को अप्रोच करेगा। तो ये है आपका रिस्पॉन्स टाइम, प्रोसेस एंटर होगी लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स उसका कब आया, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स तक का जो टाइम आपका लगा, टाइम टेकन अप टू फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स आपको जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मिला वहाँ तक आपने कितना टाइम लिया, इस प्रोसेस ने कितना टाइम लिया। अब सपोज अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टर्न अराउंड टाइम हो गया होल टाइम, उसी में से आपका रिस्पॉन्स टाइम निकलना है। मेरी प्रोसेस यहाँ से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और आई मतलब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसको टोटल टाइम लगना है इतना एग्जीक्यूट होने में, यहाँ पे इसने एंड होना है, यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या आएगा कि मान लो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई एग्जीक्यूट होना और यहाँ पे इसका पहला रिस्पॉन्स आया, तो ये मेरा हो गया रिस्पॉन्स टाइम, क्लियर। फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिला तो ये रिस्पॉन्स टाइम हो गया, ठीक है। अब ये टोटल जो बनेगा दैट्स योर टर्न अराउंड, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी इसने एग्जीक्यूट करी पूरे टाइम पीरियड में, जैसे मान लो आवरली इसका टाइम पीरियड चलता है तो एक वन आवर में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस इसने एग्जीक्यूट करी, दैट्स योर थ्रूपुट टाइम। आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी तीनों चीज़ें, क्योंकि थ्रूपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम के बारे में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये था आपका किस तरह से आपने सिस्टम को मेजर करना है। किस तरह से प्रोसेस को मेजर करना है उसको डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई डीप में तो नहीं पूछेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कौन सा टाइप क्या करता है, ठीक है, लेकिन हम एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास वेरियस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एंशियंट टाइम में, ओल्ड टाइम में आपका यूज़ होता था। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि मल्टीपल जॉब्स होती हैं, मींस आपके पास ये मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जिनको एक बैच में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। ये पूरा मेरे पास बैच है और यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, सपोज इट हैज़ 15 प्रोसेसेस, तो ये 15 प्रोसेसेस एक बैच में एग्जीक्यूट होनी है। अब ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि इनको एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे या तो सिस्टम प्रायोरिटी बेस पे इनको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर इनको मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो है इनको एग्जीक्यूट करेगा वन बाई वन करके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर एग्जाम्पल लें, एक क्लासरूम होता है हमारा, वन टाइम पे वेरियस क्लासेस हमारी चलती हैं, तो एक क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट है सपोज, तो वो 30 स्टूडेंट एक ही बैच के हैं, ठीक है, एक ही बैच और एक ही टाइप के हैं, तो इसमें भी उसी हिसाब से प्रोसेसेस को जो है वो अरेंज किया गया होता है कि सेम टाइप के प्रोसेसेस आपके एक बैच में ऑर्गेनाइज करके उनको इकट्ठा एग्जीक्यूट किया गया होता है, ठीक है। अब इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग सिक्वेंशियल
असेस या सिक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैक्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्टैक्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सारी प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होती हैं तो कोई प्रोसेस ऐसी होगी जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए, कोई प्रोसेस जैसे इसको 10 मिनट का टाइम चाहिए, इसके लिए मान लो 3 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई 30 मिनट का टाइम ले रही है। तो यहाँ पे बैच वाइज आपकी प्रोसेसेस वन बाई वन जब एग्जीक्यूट होंगी, मैक्सिमम क्या होता है कि आपके पास एक तो वेटिंग टाइम आपका प्रोसेसेस का इंक्रीज हो जाता है कि पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा बैच में, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होगी, तीसरी एग्जीक्यूट होगी, इस तरह से पूरी प्रोसेसेस आपकी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। क्योंकि अब ये प्रोसेसेस का सेपरेटली कोई काम अपना है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको इकट्ठा बैच वाइज ही मिलेगा, ठीक है। आप इन सबको एक बैच में लॉट में अंदर भेज देते हैं, आप इनको पास आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात करें तो सपोज कोई एक पर्सन है, उसने बहुत सब फाइल्स का काम किया हुआ है, ठीक है, और उसे उन फाइल्स को मान लो किसी कंप्यूटर पर सेव करवाना है, या उसने बहुत सी फाइलें बनाई हैं उसको प्रिंट लेना है, ठीक है, वो किसी पर्सन के पास जाएगा कि मुझे इसका प्रिंट चाहिए, तो उसका एक मतलब 10 फाइलों का ग्रुप उसने बना दिया, तो वो फाइलें एक बैच ही काउंट हुई, ठीक है, वो फाइलें एक बैच ही काउंट होंगी, और उन फाइलों को प्रिंट करने वाला पर्सन अपने पास रखेगा, लेकिन प्रिंट तो वन बाई वन ही होगा, प्रिंट थोड़ी एक साथ 10 फाइलें निकल सकती हैं, ठीक है, प्रिंट आपका वन बाई वन नहीं हो रहा है, लेकिन जिसने वो काम दिया उसको तब उसको वापस किया जाएगा जब वो सारा बैच पूरा हो जाएगा, जब वो 10 फाइलें टोटली प्रिंट हो जाएंगी तभी आप किसी पर्सन को देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपकी एक फाइल निकल गई आप ले जाओ, दूसरी निकल गई आप ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सेम हियर, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेसेस तो बैच में एग्जीक्यूट होती हैं, अंदर ये वन बाय वन ही एग्जीक्यूट होती हैं, वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपकी ये शेड्यूलिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी शेड्यूलिंग आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्रायोरिटी बेस कर रहे हो, चाहे आप इवेंट ड्रिवन कर रहे हो, चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हो, चाहे आप कोई अनदर शेड्यूलिंग इसमें रैंडम बेस पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैच प्रोसेसिंग आपकी होती है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ होता है, और जो बैच प्रोसेसिंग है इसमें क्या रहता है, एक तो आपका सीपीयू जो है वो मैनी टाइम सीपीयू आइडल रहता है बहुत से टाइम, और यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन इसको 3 ही मिनट लगने हैं, तो ये 3 मिनट वाली 10 मिनट का वैसे ही वेट कर रही है कि 10 मिनट बाद मेरी बारी आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेटिंग टाइम भी आपका बढ़ जाता है और सीपीयू बहुत से टाइम यहाँ पे आइडल रहता है, क्लियर। बैच प्रोसेसिंग के बाद आपका नेक्स्ट आता है सिंगल यूजर। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका सेकेंड टाइप आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर एक टाइम पे इसको यूज कर सकता है, तो यहाँ पे ये वन यूजर को अलाउ करता है वन टाइम पे, अलाउ वन यूजर टू यूज़ योर सिस्टम और योर पीसी, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप होता है उसको हम सिंगल यूज़र बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी इसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है आपके पास डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जहाँ पे आपका सारा कमांड के बेस पे ही सारा काम होता है और वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वन टाइम पे एक ही यूज़र जिसको यूज़ कर सकते हैं उसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो लाइन मतलब सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब इसमें ये नहीं है कि मल्टीपल जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं, आपकी एक यूज़र एक ही काम जो है एक साथ जो है करवा सकता है, ठीक है। इसमें आपको काम करवाने के लिए जो आपका डेटा होता है उसके साथ साथ मीन्स उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए होती है, या इन्फॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन नीडेड होता है, ठीक है। अगर आपने अपने पीसी के हार्डवेयर डिवाइसेस को अगर यूज़ करना है सिंगल यूज़र में तो भी आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन का या इन्फॉर्मेशन जो है वो नीडेड होता है, इनका इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो भी आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें जितने भी प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं वो रन होते हैं आपके, एक टर्म आती है JCL, तो JCL मतलब
जॉब, कंट्रोल, लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके जो पीसी पे मतलब पर्सनल कंप्यूटर पे जो यूज होता है, दैट्स अ सिंगल यूजर। बेस्ट एग्जांपल आपका एमएस डॉस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइस सॉफ्टवेयर यूज करना है या हार्डवेयर यूज करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड नीडेड होता है, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस में अगर आपने अपने पीसी पे एक प्रिंटर का यूज करना है सपोज, तो आपको पहले प्रिंटर ड्राइवर आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आपको उस प्रिंटर का पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद आप उस प्रिंटर को अपने काम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एक तो सिंपल सा याद रखना है, अलाउ वन यूज़र एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ओनली वन पर्सन ही एक टाइम पे ऑपरेट कर सकता है, दैट्स अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉस आपका किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, क्लियर। और सिंपल सा कि जॉब कंट्रोल लैंग्वेज का इसमें यूज़ होता है, ये टर्म भी थोड़ी सी आपकी जो है इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जितने भी कोड होंगे या जितने भी प्रोग्राम्स होंगे आपके वो लाइन बाय लाइन या सिंगल लाइन में ही एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद थर्ड टाइप आपका आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेम से क्लियर है, सिंगल यूज़र में वन यूज़र वन टाइम पे आपका ऑपरेट कर सकता है आपके पीसी को, मल्टी यूज़र में आपके मल्टीपल पर्सन सेम टाइम में यूज़र को जो है वो जो असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं कि अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एट सेम टाइम या साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियस। मतलब इसका एग्जांपल क्या आता है आपका कि अगर आप जैसे नेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, जब भी हम नेट पे काम करते हैं तो हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को जो है वो मल्टीपल यूज़र्स वन टाइम पे जो है वो असेस कर रहे होते हैं, तो नेटवर्किंग में इसका यूज़ होता है जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं या फिर हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं उसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके यूज़ होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो कई जो यूज़र्स के द्वारा जो है वो यूज़ की जाती है, तो मल्टीपल असेस आपकी एक एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल इसका आता है, दैट्स योर एक टर्म आती है EMS, इसको जो हम लोग वर्चुअल मेमोरी सिस्टम हमारे पास जो होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि है तो मेमोरी का डिवाइडेशन होता है सारा, जिससे क्या होता है कि जितनी सारी जॉब्स होती हैं आपके पास उनको एक टाइम पे मेमोरी असेस करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होता है, ठीक है। एक तो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम, और एक हम बोलते हैं विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो जो पर्सन हमारे पास आ रहे हैं किसी भी टर्म को विजिट करने के लिए हमने उनको कैसे मैनेज करना है। तो सिंपल इसका एग्जांपल वर्चुअल मेमोरी सिस्टम से आता है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में जो हमारी मेमोरी होती है उसी को हम वर्चुअली असाइन करते हैं, उससे क्या होता है कि एक पूरी कंप्लीट मेमोरी मल्टीपल जॉब्स वन टाइम पे उसको अटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिंपल याद रखना है कि जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं नेटवर्किंग में या ऑनलाइन जब भी हम काम करते हैं उस टाइम पे हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक साथ जो है वो मल्टीपल पर्सन जो है वो असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है मल्टी यूज़र के बाद मल्टी टास्किंग। तो मल्टी यूज़र में मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली असेस करते हैं आपके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टी टास्किंग में आप इसमें एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके एग्जांपल हैं बेस्ट, दैट्स योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ होता है, एक आपका यूनिक्स और एक आती है आपके पास विंडोज़ 95। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काउंट होते हैं। यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर हम जो भी हमारी रनिंग जॉब्स होती हैं या रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनके बीच में हम स्विच कर सकते हैं, मींस एक टाइम पे आपके मल्टीपल टास्क ओपन हुए होते हैं तो उनके बीच में हम स्विच कर सकते हैं, मींस जो भी हमारी ओपन हुई है ना सारे प्रोग्राम्स उनको हम कभी एक कभी दूसरा इस तरह से ओपन करके देख सकते हैं।
मल्टीटास्किंग आपके पास टू टाइप की होती है, एक होती है आपके पास प्रिमिटिव और एक होती है आपके पास कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है आपके पास, इसको हम नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो आपका सीपीयू होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया जाता है जब तक उसको नीड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि अदर किसी प्रोसेस को सीपीयू का नीड है या प्रोसेसर का नीड है तो उसको रिलीज करना है। तो मतलब यहाँ पे सीपीयू एक प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया जाएगा जब तक इसको क्या है, इसको नीड पड़ी है। ठीक है, जब तक इसको नीडेड है तब तक ये अपने सीपीयू को होल्ड करके रखेगा। और इसमें क्या होता है आपका प्रिमिटिव में, जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल याद रखेंगे कि यहाँ प्रिमिटिव में हार्डवेयर रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करेंगे। शेयर का मीन्स कि जैसे आपके पास प्रिंटर है या फिर आपके पास कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर में वही चीज़ें आती हैं। तो कभी किसी को कीबोर्ड का ज़रूरत है, किसी एप्लीकेशन को किसी को माउस का ज़रूरत है, या किसी एप्लीकेशन को प्रिंटर का नीड है, या कोई भी और हार्डवेयर डिवाइस किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो अगर प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयरिंग होती है। शेयरिंग मीन्स कि किस जॉब को कितनी देर के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस चाहिए वो उस हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जिस प्रोसेस ने, जिस भी जॉब ने आपके प्रोसेसर या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको होल्ड कर लिया, वो तब तक उसको होल्ड करके रखेगी जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अदर जॉब्स का वेटिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और सम टाइम आपका सीपीयू आइडल रहता है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग नेम से क्लियर है हमारा, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जितने भी आपके जॉब्स होंगी वो हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, या जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होंगे आपके वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक साथ कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट यूज़ होती है। टाइम शेयरिंग में टाइम शेड्यूलिंग चलता है। ठीक है, यू हैव मान लो फोर प्रोसेसेस आपने जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं आपकी एक साथ। इन फोर प्रोसेसेस को जो है कभी प्रिंटर का नीड पड़ रहा है, कभी आपका कीबोर्ड या मॉनिटर या फिर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी हैं उनका नीड पड़ रहा है, तो यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे जो है मैनेज होंगे। मीन्स इसमें यूज़ होती है आपकी टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, अब ये टाइम शेड्यूलिंग आपकी प्रायोरिटी बेस पे भी जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है कि कौन सी प्रोसेस को ज़्यादा नीडेड है उसको पहले चाहिए, या ऐसे हो सकता है कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, तो सीपीयू या जो भी अंदर प्रोसेसर है वो अपने डिवाइसेस को इस हिसाब से मैनेज करे कि अगर मान लो किसी प्रोसेस को कम टाइम लगेगा तो उसको पहले एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और किसी को ज़्यादा टाइम लगे तो उसको बाद में एग्जीक्यूट करे, क्योंकि क्या होता है कि जिस प्रोसेस को कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, किसी भी रिसोर्स को मतलब कम टाइम के लिए उसको नीड है, तो बाकी की जॉब्स हैं वो मतलब अगर कोई आपका डिवाइस ऐसी प्रोसेस ने होल्ड किया है जिसको अभी मोर टाइम लगना है, मींस उसको मान लो 10 मिनट के लिए आपका डिवाइस चाहिए, लेकिन आपके पास बाकी जॉब्स ऐसी हैं किसी को सिर्फ 4 मिनट के लिए जो है वो आपका डिवाइस चाहिए, किसी को 3 मिनट का नीड है और किसी को सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए ही नीड है, तो सीपीयू टाइम शेड्यूलिंग करता है अपने हिसाब से। या तो वो देखेगा कि किसको सबसे छोटा टाइम चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम किसके लिए, तो उसको पहले एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अगर सबसे बड़ी जॉब को पहले देते हैं तो बाकी जॉब्स का वेटिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी टाइम शेयरिंग जो है वो चलती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसका एग्जांपल आपके पास आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि किसने डिवेल्प किया है एंड कब डिवेल्प किया है। तो आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका, सबसे पहले तो डिवेल्प किसने किया है, तो एप्पल कंपनी जो है उसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। और किस टाइप के पीसी के लिए, इसको बोलते हैं मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पूरा इसका ये होता है। ठीक है, अब किसने बनाया है, तो एप्पल के फाउंडर हमारे स्टीव जॉब्स हैं, तो उन्होंने ही इसको जो है वो डिवेल्प किया है। ठीक है, एप्पल के फाउंडर भी यही हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्होंने बनाया। कब आया आपके पास, 1984
जनवरी 1984 में आपका ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो कुछ मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का पूरा नेम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी ने बनाया, स्टीव जॉब्स इसके एप्पल के फाउंडर भी हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्होंने ही बनाया है साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम शेयरिंग के बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक टर्म सबसे पहले आपके पास आती है RTOS। इसका जो है वो पहले फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहला क्वेश्चन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, टर्म RTOS स्टैंड्स फॉर। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते क्या हैं? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपको किसी प्रोसेस या किसी जॉब के लिए जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं प्री डिटरमाइंड टाइम में, ठीक है। पहले से आपका टाइम निश्चित है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस इतने टाइम में मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है जैसे आप फ्लाइट रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, या तो फिर आप अपने कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस आपके होते हैं इनमें आपका ये यूज़ होता है, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल आता है आपका लिनक्स। लिनक्स को एज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि लिनक्स आपका कब आया है एंड किसने इसको बनाया है। तो ठीक है, सबसे पहले लिनक्स को बनाने वाले थे लिनस टॉरवाल्ड। कब आया है ये? सेप्टेम्बर 1991 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो लिनक्स को हम GUI और CUI दोनों बेस पे अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और सबसे बड़ी बात, लिनक्स आपका फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रीवेयर मींस कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, मींस इसके लाइसेंस के लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। तो इसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि लिनक्स इज मतलब किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये लिनक्स आता है, ठीक है। कहाँ आपका यूज़ होता है? फ्लाइट रिजर्वेशन में और ऐसी प्रोसेसेस में जहाँ पे आपको क्विकली रिस्पॉन्स करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हमें ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस मुझे 10 मिनट में रिस्पॉन्ड करेगी, 5 मिनट में मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, उसमें आपका ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो यहाँ से हमारी सिस्टम अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इनक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें दो टाइप का मतलब टाइम चलता है, दैट्स योर हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम दोनों टर्म्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम। जो ये टर्म है इसका मतलब, हार्ड का मतलब प्रॉपर टाइम के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको रिस्पॉन्ड करेगी, जो टाइम पीरियड उसके लिए पहले से आपने निश्चित करा हुआ है, क्लियर। तो ये आपकी ऐसी जो आपको रिस्पॉन्स करेगी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास एक लिमिट होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हार्ड वाले में टाइम लिमिट आपके पास होता है। जैसे आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आप करते हैं, अपने ऑनलाइन पेपर करते हैं, तो आपको सपोज टाइम दिया होता है कि 10 सेकंड से ज़्यादा आपको जो है वो टाइम नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन पे और अपने आप ही आपका अगला क्वेश्चन स्विच हो जाएगा, ठीक है। दैट्स योर हार्ड रियल टाइम कि 10 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए फिक्स है। 10 से 11 सेकंड अगर आपके पास होते हैं तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से जो है वो स्वाइप हो जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी हार्ड रियल टाइम। लेकिन एक होती है आपके पास सॉफ्ट रियल टाइम, रियल टाइम। अब सॉफ्ट रियल टाइम ऐसा होता है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, ठीक है, किसी प्रोसेस के रिस्पॉन्स के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका दो टर्म आती है रियल टाइम के केस में, एक हार्ड रियल टाइम, एक सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम हम मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड में काम होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे हम ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आ गया लिनक्स। इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एक विंडोज़ और एक हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो है वो पहले हमने डिस्कस करा हुआ है। तो विंडोज़ आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जैसे और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसने बनाया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपका
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या फिर किसी भी जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं उनको डिजाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था आपका एक तो सी लैंग्वेज के फाउंडर डेनिस रिची और एक हमने नाम लिया था केन थॉम्सन ने, ठीक है। इन दोनों ने साथ मिलके यूनिक्स को बनाया था और इसी पे आपकी सी और सी प्लस प्लस को जो है वो राइट किया गया है। तो ये थे मेरे कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग आज की डेट में यूज़ करते हैं। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने के बाद हमारे पास आते हैं कुछ एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल डिवाइसेस को हैंडल करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस मींस ऐसे डिवाइसेस जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव ऑन कर लेते हैं। मोबाइल डिजिटल डिवाइसेस पे काम आते हैं, मींस आपके स्मार्टफोन टैबलेट आपके पास आगे मोबाइल डिजिटल डिवाइसेस जितने भी जैसे लैपटॉप वगैरह आप इन पे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इनको अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके चार टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है दैट्स योर एंड्रॉयड, एक आपके पास आता है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आता है आपके पास iOS और एक आता है आपके पास ब्लैकबेरी। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, दैट्स योर एंड्रॉयड फ़ोन मींस कि कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें टच चलता है GUI चलता है, इसका मतलब कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। तो सबसे पहले जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको गूगल ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसने बनाया है। तो ये तो आपको पता है कि जितने भी आपके टच डिवाइसेज हैं अमूमन सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़ होता है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है आपकी सिम्बियन लिमिटेड ने, सिम्बियन लिमिटेड कॉरपोरेशन जो भी है इसने इसको तैयार किया हुआ है। और ये कि कौन कौन से फ़ोन्स में यूज़ होता है आपके पास, तो कुछ एक कंपनीज हैं मेरे पास जैसे नोकिया, नोकिया में आप लोग इसको यूज़ करते हो। फिर आपके पास आता है मोटरोला, एक आगे आपके पास सोनी, ठीक है, और एक आपके पास सैमसंग। तो इन सब में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशली आईफोन आईपॉड इनके लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। तो आईपैड अगर आपने ले रखा है, आईपॉड अगर आपने ले रखा है, ये जितने भी आईफोन से रिलेटेड टच डिवाइसेस हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ ब्लैकबेरी कंपनी के फ़ोन्स में ही यूज़ होता है। तो आपका ये सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल के केस में, ब्लैकबेरी एज़ कम्पेयर टू अदर सबसे सिक्योर है। और ये सिर्फ ब्लैकबेरी कंपनी के जो डिवाइसेस हैं उन्हीं में आपका यूज़ होता है। तो ये थे कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स, उसकी फंक्शनैलिटी हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।